इस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन को 101 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समारोह का आयोजन कर न केवल उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है अपितु ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उनकी स्मृति में अक्षुण्ण रखने का काम किया है। मेरी सरकार ने नगर निगम नगर पालिका को टाउन एरिया के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराकर चुने हुए जनप्रतिनिधियों को स्थानीय विकास की व्यवस्था सौंप कर उनको अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शहर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। मेरी सरकार के गठन के उपरांत विभिन्न महोत्सवों पर माननीय राष्ट्रपति माननीय उपराष्ट्रपति एवं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन हुआ एवं उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं की आधारशिला रखी गई लोकार्पण किया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय इलाहाबाद जनपद के भ्रमण के समय नायक्राम की शुरुआत के साथ ही प्रयाग में गंगा यमुना के संगम तट पर आयोजित होने वाले कुंभ मेले का कार्यों का अवलोकन किया गया और उसकी सराहना की गई। विकसित अवस्थापना सुविधाओं के बिना कोई प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश जो विकास में काफी छूट गया था मेरी सरकार ने उसे तेजी से आगे लाने का कार्य शुरू किया है। प्रदेश में औद्योगिक माहौल बनाने व अधिकाधिक पूंजी निवेश हेतु दिनांक 30 और 22 फरवरी को लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का प्रायोजन प्रस्तावित है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध मुक्त भयमुक्त व अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करने हेतु कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित किया गया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न आपराधिक एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध विधि सम्मत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। मेरी सरकार सबका साथ सबका विश्वास के मूल मंत्र के दृष्टिगत सभी वर्गों के उन्नति कल्याण एवं सार्वजनिक विकास के लिए कृत संकल्पित है। सरकार द्वारा आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। विकास संबंधी शासन की प्राथमिकताओं के सुगम संचालन हेतु बेहतर वातावरण पैदा करके स्वच्छ प्रशासन देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी सरकार का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का लाभ समाज के निचले स्तर तक पहुँचाना है ताकि समाज के सभी वर्गों का आर्थिक शैक्षिक सामाजिक और सर्वांगीण विकास हो सके। प्रदेश सरकार द्वारा शासन में जन सहभागिता जनता की समस्याओं का निराकरण जनजातियों का विकास पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण संतुलन रोजगार कार्यक्रम स्वास्थ्य सुविधा और सुरक्षा उद्योगों का विकास समाज कल्याण महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पुलिस सुधार शहरी विकास शिक्षा एवं खेल को प्रोत्साहन मुद्दों का कल्याण किसानों के लिए फसल ऋण मोचन एवं सिंचाई हेतु मुक्त पानी देते हुए उनकी आयु दोगुनी करने जैसे अनेक विकास परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं और पंचायतों तथा जनकल्याण का कार्य करने वाली अन्य समितियों की सहायता से साक्षरता को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर कर सामाजिक सौहार्द से ओतप्रोत जनसहभागी समाज की स्थापना के लिए विशेष प्रयास
किए गए हैं। राष्ट्र की उन्नति के लिए सभी पंथों के संप्रदायों में पारस्परिक सद्भावना आवश्यक है। मेरी सरकार मनसा वाचा कर्मणा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। पंडित दीनदयाल आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से प्रतिवर्ष एक नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करते हुए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए संतुष्ट किया जाएगा। सरकार द्वारा चयनित किया जा चुका है। शोध नवाचार एवं गुणवत्ता के सुधार के दृष्टिगत प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय में भौराव देवर शोधपीठ की स्थापना तथा राज्य विश्वविद्यालयों के 15 दिन उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य के सुचारू संपादन हेतु उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 34 विषयों के 870 चयनित अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की गई। माध्यमिक शिक्षा के सृजनात्मक विकास एवं क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। आगामी वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा 166 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेजों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। परिवहन विभाग में कंप्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 77 परिवहन कार्यालयों में कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे वाहनों के पंजीकरण फिटनेस टैक्स परमिट व प्रवर्तन संबंधी कार्य वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक एक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। मेरी सरकार प्रदेश के गुंडों माफियाओं व अराजक तत्वों को प्रभावी ढंग से न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में लाकर कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। इन संकल्पों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए थानों की कार्य प्रणाली में आमल के बदलाव लाते हुए फरियादियों की समस्याओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्य करते हुए प्रथम सूचनाओं का 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन के पश्चात कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए हैं। नारी शक्ति का सशक्तिकरण एवं उनके समान की रक्षा सरकार का महत्वपूर्ण संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रत्येक जनपद में महिला सम्मान प्रकोष्ठ स्थापित कर विद्यालयों महाविद्यालयों में करने वाली छात्राओं कामकाजी महिलाओं तथा बाजार रेलवे स्टेशन बस स्टेशन एवं अन्य स्थानीय आने वाली महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु
महिलाओं के फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील SMS तथा अवांछनीय फोन कॉल्स किए जाने की घटनाओं के रोकथाम के हेतु प्रदेश के जनपदों में एंटी ऑप्शन कॉल सेल का गठन किया गया है। एंटी भूमाफिया अभियान, एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत प्रदेश में सरकारी निजी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु एंटी भूमाफिया का टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पुलिस बल में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए वांछित संख्या में पृथक महिला बटालियन के सृजन का संकल्प है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में दौरान एक महिलाओं की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित है। गुंडों एवं संगठित अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कतिपय अन्य प्रदेशों के दर पर प्रदेश में संगठित अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूपी कोका अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा हवाई समाप्ति को जब्त किया जा सकेगा। मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन प्रवर्धन एवं प्रभावीकरण अखबारी प्रशासन के मौलिक नीति के साथ अपरिष्कृत विक्रय होने के लिए विधिक संशोधन किए गए हैं। मेरी सरकार द्वारा ग्राम सभा व सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणकर्ताओं भूमाफियों के विरुद्ध प्रभावी कार्य किए जाने के संबंध में प्रदेश में 4 स्तरीय क्रमशः राज्य मंडल जनपद व तहसील स्तर पर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रभावी अनुसरण हेतु एंटी भूमाफिया पोर्टल का विकास किया गया है। एंटी भूमाफिया अभियान के अंतर्गत अब तक 53,584 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर अतिक्रमण मुक्त कराया गया है तथा 1,426 भूमाफिया चिन्हित किए गए हैं जिनके विरुद्ध संगत आपराधिक धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश की जनता को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण करने हेतु प्रदेश के 13 जनपदों में कमर्शियल कोर्ट का गठन किया गया है तथा प्रदेश में 24 जनपदों में लोक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मेरी सरकार द्वारा किसानों के लंबित भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु राजस्व न्यायालय कंप्यूटर प्रबंधन प्रणाली के नाम से एक नए पोर्टल का विकास किया गया है। आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 91.84 लाख सदस्य बीमित किए जा चुके हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के स्वरूप में कतिपय संशोधन किए जाने के फलस्वरूप योजना का अभिसरण 1 जून 2017 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में किया गया है। राष्ट्रीय आपदा की पूर्व तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत एवं सहायता तथा सुखा की कार्य योजना क्रियान्वयन बाढ़ की कार्य योजनाओं को तैयार कराया जाना एवं उनका क्रियान्वयन
राहुल आयुक्त कार्यालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण के सशक्तिकरण व यूपी डायल के अंतर्गत लाए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। प्रदेश में लगभग 165.46 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। प्रदेश की कृषि नीति के अनुसार कृषि क्षेत्र में विकास दर 5.1% प्राप्त कराने का लक्ष्य है। प्रदेश में वर्ष दो तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।